हाय गाइस, वेलकम। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार और आप देख रहे हैं डेली जॉब न्यूज। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय तटरक्षक बल में निकली यांत्रिक के पदों पर भर्ती के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में आने वाले इस घंटे के आइकॉन को भी दबा लें ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हम अपने ऑफिशियल ब्लॉग पेज पे आ जाते हैं जहां हमने आपके लिए एक शॉर्ट नोटिफिकेशन तैयार कर रखा है पहले से ही। तो चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, पोस्ट का नेम है यांत्रिक 2020। ठीक है, टोटल पोस्ट है 37। एलिजिबिलिटी जो है इसके लिए योग्यता है वो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन रेडियो पावर इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% एग्रीगेट, यानी टोटल 60% मिनिमम आपके होने चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 22 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। आपकी जो एज कैलकुलेट होगी, यानी अगर ईयरली ले लिया जाए तो 1 अगस्त 1998 के बाद और 31 जुलाई 2002 से पहले का होना चाहिए। फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उठक बैठक आप 20 स्क्वायर अप लगा सकें, मतलब उठक बैठक लगा सकें। 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी, 7 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करनी है। 10 पुशअप आपसे लगवाई जाएगी और जो आपका चेस्ट होना चाहिए मिनिमम 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए उसमें। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इनके द्वारा कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, फॉर्म बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं है। अब इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लें तो एप्लीकेशन 16 मार्च 2020 से स्टार्ट होंगे, यानी नेक्स्ट मंथ से। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट होगी वो 22 मार्च 2020 होगी, यानी आपके पास टोटल 6 दिन का टाइम रहेगा। एडमिट कार्ड जो होगा वो 9 से 16 अप्रैल के बीच में आ जाएगा और एग्जाम डेट जो है वो आपके अप्रैल मई 2020 के बीच में पड़ेगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के लिए इस लिंक पे क्लिक करना है। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आप सहमत हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।